हे गाइस वेलकम टू पेंडिक। दोस्तों अभी तो आ गया गर्मी का मौसम और साथ में आ गया बहुत सारा मच्छर भी। तो आज के इस वीडियो में हम मच्छर से बचने के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार एक डिवाइस। देख सकते हो कितना पावरफुल स्पार्क है और इसको मैं बनाने में बहुत ही सिंपल तरीके से घर में ही पड़े वेस्टेज मेटेरियल से। तो वीडियो साथ में बहुत अमेजिंग और काम करने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देख सकते हो हमने ले लिया इस तरह के पीवीसी पाइप इस तरह का और इसका हम इतना तक कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, इतना तक लेना है बस। तो देख सकते हो इसको मैं इतना तक कट कर लिया और बहुत अच्छे से चारों तरफ घिस के फिनिशिंग भी दे दिया। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं इस तरह का थोड़ा सा मोटा वाला कपड़ा वायर और इसे वायर आपको इस तरह का जो वायर आता है उसको छिलकर आप आसान से निकाल सकते हो। देख सकते हो इसका अंदर इस तरह का वायर आता है, देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने वायर को छिलकर निकाल लिया, आप इसको छोटा छोटा पीसेस में काट कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने सारे वायर को काट के अच्छे से सीधा कर लिया। अब चलिए इस पीवीसी पाइप के ऊपर एक साइड इस सारे वायर को एक जालीनुमा यहाँ पर सजा लेते हैं और यहाँ पर मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है, बिल्कुल इस तरह से जिगजैग पैटर्न में। तो देख सकते हो मैंने सारे वायर को बहुत ही अच्छे से सजा लिया। तो चलिए आप सिंपली दोनों किनारों पे सुपर ग्लू डाल के एकदम फिक्स कर देते हैं। तो देख सकते हो हमने सारे वायर को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया। तो चलिए आप इन सारे वायर को इस तरह बैंड कर देते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद दोस्तों लेना है हमें दो वायर और इसका एक साइड को पूरा एक साथ कनेक्ट कर देना है और इस साइड भी सारे पिन के एक साथ कनेक्ट कर देना है। चलिए फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो देख सकते हो एक साइड कनेक्ट हो गया और इस साइड भी हम सेम तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने दोनों साइड का सारे पिनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया बहुत अच्छे से। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं इस तरह का दो वायर अच्छे क्वालिटी का और एक को इस तरफ जोड़ना है और एक को इस तरफ जोड़ना है। चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं। और इसको इस तरफ से अंदर की तरफ डाल देना है। तो दोस्तों अब हमें चाहिए खराब एलईडी बल्ब। देख सकते हो एक 9 वाट का एलईडी बल्ब है और उसका ये एलईडी प्लेट खराब हो चुका है लेकिन इसका अंदर का सर्किट बोर्ड ठीक है, तो हमें उस सर्किट बोर्ड को ही चाहिए। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। पहले इसको छुटा लेना है सेटिंग को। तो उसको इस तरह से डिसोल्डरिंग करके उसको निकालना है। तो देख सकते हो इसको मैंने निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो जो आउटपुट आ रहे हैं मतलब इस एलईडी बोर्ड के साथ जो वायर जुड़ा होता है उसको इस जो अभी दोनों वायर को निकला हुआ है इसके साथ जोड़ देना है सिंपली। तो यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है सिंपली। तो दोस्तों अब इसको सिंपली हम फ्रेम का किसी भी एक साइड पे इसको सिंपली चिपका देना है।
आप दोस्तों देख सकते हो ले लिया पुराने टूटा हुआ मोबाइल का चार्जर, और इसको मैं सिंपली निकाल लूँगा सर्किट को। और हमें चाहिए कुछ ब्लू कलर के एलईडी, यहाँ पर देख सकते हम दो यूज़ कर रहे हैं, और इसको मैंने पैरेलली कनेक्ट कर लिया, इस तरह से सोल्डिंग कर लिया। तो यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव पिन को जोड़ दूंगा रेड वायर के साथ, और नेगेटिव पिन को हम जोड़ देंगे व्हाइट वायर के साथ। उसके बाद देख सकते हो ले लिया प्लग, और इससे हम सिंपली इन दोनों मॉड्यूल को पावर देंगे। चलिए इसको सेट कर लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हो यहाँ पर हम मोबाइल का चार्जर और एलईडी ड्राइव दोनों के साथ ही कनेक्शन कर दिया बहुत अच्छे से। तो चलो अब इसको सिंपली पैक कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर एक प्लास्टिक का सीट को इस तरह का राउंड पीस में काट कर लिया, और इस तरह देख सकते हो व्हाइट पेपर को चिपका लिया ताकि इस ब्लू लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो। तो चलिए इसको चिपका देते हैं यहाँ पर, और पहले मैं इसको बीच में सेट कर लूँगा। तो देख सकते हो इसको हम बहुत अच्छे से पैक कर दिया, और ये लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। तो दोस्तों अब हमें चाहिए एक टेप, और इसको हम सिंपली यहाँ पर चिपका देंगे ताकि ये छुप जाए और ये दिखने में भी अच्छा लगे। चलिए फटाफट चिपका लेते हैं। तो देख सकते हो कंप्लीट हो गया, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसको लाइन के साथ कनेक्ट करके अच्छे से टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये चालू हो गया, और यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि ये डीसी वोल्ट है, तो झटका बहुत ही जोर से लगेगा। इसको बहुत ही सावधानी से और बच्चों से दूर रखना है, और आप भी इसको हो सकते हो हाथ मत लगाना इसको चालू अवस्था में। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं अब। तो दोस्तों देखना टेस्टर को मैं जैसे ही यहाँ पर टच करूँगा कितना जोर से स्पार्क निकलेगा, देख सकते हो कितना भयानक जोर से स्पार्क निकल रहा है। तो चलो वो लाइट को ऑफ करते हैं, नहीं तो आपको इसका ब्लू लाइट इफेक्ट आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख सकते हो इसके अंदर से कितना भयानक तरीके से ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सारे मच्छर यहाँ पर आकृष्ट होगा। देख सकते हो कितना पावरफुल स्पार्क है। तो चलिए अब इसको रात में एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जोर एक लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जोर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जोर दबा देना ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।